मारीना संदेश लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं फहद काजमी मारीना संदेश लाइव से, मऊ जनपद के घोसी लोकसभा सत्र क्षेत्र से। भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को जिताने के लिए लगातार भाजपा के स्टार प्रचारक, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबका आगमन होता जा रहा है। अब देखना यह है कि इस चुनावी समीकरण को क्या चुनाव नया मोड़ ले रहा है, क्या जो हरिनारायण राजभर ने अपील किया था जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय के समक्ष चतुल्ला का प्रचार निरस्त करने के लिए, उसमें क्या होता है। बहरहाल इसी क्रम में देखते हैं कि आज दिनांक 12 मई को रसड़ा में 12:30 बजे से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कार्यक्रम है और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम, जो कि कल उनका आगमन मधुबन में हो रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा। देखते हैं कि इन स्टार प्रचारकों के आने से क्या वास्तव में ऐसे प्रत्याशी हरिनारायण राजभर, जिनकी कार्यशैली जीरो रही, जनता में पकड़ जीरो रही, जिन पर जनता का आरोप है 100 में 80 जनता का आरोप ये लगता है कि हरिनारायण राजभर का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ मोदी जी के नाम पर इनको वोट दिया गया, क्या वास्तव में फिर एक ऐसे पुरुष को जिनका चेहरा ना जीतने से पहले भी नहीं चेहरा देखा गया, जीतने के बाद भी नहीं देखा गया, पुनः किस्मत का तेज़ होने के लिए, भाग्य का तेज होने के कारण हरिनारायण राजभर को टिकट मिला, क्या ऐसा समीकरण बनेगा, क्या वास्तव में फिर विकास का नाम छोड़ के मोदी जी के नाम पर इनको जिताया जाएगा। देखते हैं 19 मई के रिजल्ट के बाद, 19 मई को इलेक्शन के बाद 23 मई को देखते हैं क्या होता है। जनता किस पे मेहरबान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौजूद थे हमारे संदेश के लिए लाइव के साथ। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताज़ा खबरों के लिए। बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद, आप मौजूद थे हमारे संदेश लाइव के साथ।